अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है ये मैग्नेटिक सेपरेटर के ऊपर है। ये आपके सामने एक मैग्नेटिक सेपरेटर वर्किंग कर रहा है एक बेल्ट कन्वेयर के ऊपर, और इस बेल्ट कन्वेयर में लाइमस्टोन है और ये एक रिजेक्ट बेल्ट है, हमारी रॉ मिल के अंदर यूज़ होती है। ये मटेरियल जो है इसके अंदर अगर हमारा कोई भी फॉरेन पार्टिकल या मेटालिक पार्टिकल होगा तो हमारे इक्विपमेंट के लिए ख़तरनाक होगा, जिसकी वजह से हमारी इक्विपमेंट के इनसाइड वियर एंड टियर इंक्रीज़ हो जाएगी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम मैग्नेटिक सेपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर फॉर इंस्टेंस ये मटेरियल आ रहा है और इसके अंदर कोई भी नट बोल्ट या कोई ऐसा मेटालिक पार्टिकल है जो हम नहीं चाहते कि हमारी मिल के अंदर जाए और हमारे रोलर्स को या टेबल को, टेबल लाइनर्स, उनको डैमेज करे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मैग्नेटिक सेपरेटर लगा देंगे। जब इस मटेरियल के ऊपर कोई भी मेटालिक पार्टिकल आएगा इस बेल्ट के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली ये मैग्नेटिक सेपरेटर उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके लेफ़्ट साइड पर फेंक देगा, जिसकी वजह से हमारा जो मटेरियल है वो क्लीनली मिल के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं आप, ये सारा जो पाइल है ये मेटालिक पार्टिकल्स का है, नट बोल्ट्स और इस तरह जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, ये सब इसने वो किया है अट्रैक्ट। इसमें जो पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, एक गियर्ड मोटर है, बेयरिंग यूनिट्स हैं, दो साइड पे पुलीज हैं और एक बेल्ट कन्वेयर है। इसका मेंटेनेंस भी बहुत इजी है, अगर फॉर इंस्टेंस कोई स्टॉपेज आ जाती है तो इसको विद इन टाइम एंड शॉर्टली जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये वर्किंग प्रिंसिपल समझ आ गया होगा। थैंक यू।